पूरे देश में इस वक्त वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में पेश होने के बाद यह बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है। वहीं अब इस बिल पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यसुफ अब्बास का बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जहाँ तक के वक्फ बोर्ड के हित की बात है, जहाँ तक के वक्फ बोर्ड की बका की बात है, तो उसके अंदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड पूरी तरीके से हिमायत करेगा। जहाँ वक्फ बोर्ड के हित की बात नहीं है, जहाँ ऊपर संशोधन की बात है, वो 40 संशोधन कहाँ से आ रहे हैं, वो 40 संशोधन कैसे हैं, तो अगर से वो वक्फ के खिलाफ हैं तो शिया पर्सनल बोर्ड भरपूर तरीके से उसकी मुखालिफत करेगा। जहाँ तक के मैं समझता हूँ, वक्फ के अंदर धांधलियाँ तो हैं, वक्फ के अंदर गड़बड़ियाँ तो हैं, वक्फ के नंबर डिलीट किए जा रहे हैं, वक्फ के नंबर खाली डिलीट नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि भूमाफियाओं का पूरी तरीके से वक्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और भूमाफिया वक्फ नंबर डिलीट करके ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं और पूरी तरीके से वो वक्फ को अपनी जाती मिल्कियत समझ के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास महाराज का भी एक बयान सामने आया है। आइए जानते हैं उन्होंने इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है। वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग नाराज हो रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कहते तो हैं भारत संविधान से चलेगा, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत सेकुलर देश है। क्या यही सेकुलरिज्म है? एक कौम को इतना बढ़ावा देना, एक कौम को इतना छूट देना। जब यहाँ संवैधानिक राज है तो फिर अलग से वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है? अलग से एक कौम को अधिकार देने की कौन सी बात आ गई भाई? एक तरफ आपने मंदिरों को एक्वायर करके रखा है, अधिग्रहण करके रखा है, दूसरे तरफ आपने एक बोर्ड बना के रखा है जिसमें अगर बोर्ड ने कह दिया कि संपत्ति हमारी है तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बोर्ड है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं इस बोर्ड में संशोधन हो, और वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, जो लोग नहीं चाहते कि हिंदू खुशहाल रहे, जो लोग नहीं चाहते कि सनातन के मानने वाले लोगों में सुख शांति समृद्धि रहे, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं।